नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लेक्चर नंबर 40 है। प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें सॉल्व करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जो मैथ्स के वीडियोस हैं वो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको अपने क्लास के वीडियोस देखने हैं और भी, तो आपको सर्च करना है मेरा नाम महेश वरांडे क्लास 10th। तो अगर आप क्लास 9th में हैं तो आपको क्लास 9th महेश वलांडे ऐसे आपको सर्च करना है, तो आपको अपने क्लास के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो उसी तरीके से क्लास 10th को भी और बाकी के क्लासेस को भी सर्च करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यह क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, 1 अपॉन x + 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन x2। अब ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो इसे हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और जिस भी तरीके से हो, हमने 3 मेथड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की समझ ली हैं, तो उनमें से जो भी मेथड से हो सके उस मेथड से हमें यह क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए, इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कब करना होता है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, राइट हैंड साइड में भी एक ही न्यूमरेटर एक ही डिनोमिनेटर, तब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, a/b = c/d अगर है तो a का d के साथ मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू एज इट इज़, और b का c के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 1 और x² का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 1 और x + 5 का मल्टीप्लिकेशन। तो 1 से अगर हम किसी भी नंबर को या किसी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एक्सप्रेशन एज इट इज़ यहाँ पे रहता है। तो 1 × x + 5, यहाँ पे x + 5 एज इट इज़। अब x + 5 को हमें लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है, तो x² + x का यहाँ पे -x होगा और +5 लेफ्ट हैंड साइड में -5 इक्वल टू राइट हैंड साइड में यहाँ पे रहेगा सिर्फ 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम या तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, या फिर फार्मूला मेथड। इन सब में आसान है फार्मूला मेथड। अगर फैक्टर्स फाइंड हो रहे हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। अगर फैक्टर्स फाइंड नहीं हो रहे हैं तो हमें डायरेक्टली फार्मूला मेथड से ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए, -5 × 1, -5 मल्टीप्लीकेशन चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन -1 एक्स का कोएफिशिएंट -1 चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन -5 हो और एडिशन और सब्ट्रैक्शन -1, तो ऐसे दो नंबर हमें मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि -5 जो मल्टीप्लिकेशन है वो 5 और 1 यही दो नंबर्स हैं। लेकिन इनके एडिशन करते हैं तो भी -1 हमें नहीं मिलेगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी हमें -1 नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर फैक्टर्स फाइंड नहीं होते हैं तो हमें फॉर्मूला मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो x² का कोएफिशिएंट ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 एक्स का कोएफिशिएंट, और सी की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू -5। अब इनको हम कट करेंगे तो जो फॉर्मूला है x = -b + or - √(b² - 4ac) डिवाइड बाई 2 × a। अब यहाँ पे हम b² - 4ac की वैल्यू पहले फाइंड करें और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो भी आंसर करेक्ट आएगा, या फिर यहीं पे डायरेक्टली सभी वैल्यूज़ को
सब्स्टिट्यूट अगर हम करते हैं तो भी हमारा आंसर सही रहेगा। अब x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ का साइन, b की वैल्यू माइनस वन, प्लस और माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ b का स्क्वायर। अब देखिए b की वैल्यू माइनस वन है, बी स्क्वायर, तो माइनस वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू वन इंटू सी की वैल्यू माइनस फाइव डिवाइडेड बाय टू इंटू ए, टू मल्टीप्लाइड बाय ए की वैल्यू है वन, टू मल्टीप्लाइड बाय वन। तो जो एक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस वन, प्लस और माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस वन, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो वन प्लस फाइव इंटू फोर ट्वेंटी, ट्वेंटी इंटू वन ट्वेंटी डिवाइडेड बाय टू, सॉरी यहाँ पे डिवीजन यहाँ तक ही है, यहाँ तक ही लिखकर हमें डिवाइडेड बाय टू लिखना है, यह एक्स की वैल्यू होगी। अब एक्स की जो वैल्यू है वो वन प्लस और माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाय टू, प्लस और माइनस को हमें वन टाइम प्लस लिखना है, वन टाइम माइनस लिखना है, तो एक्स की वैल्यू होगी वन प्लस रूट ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाय टू, और एक्स की वैल्यू होगी वन, वन टाइम माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, अब एक बार माइनस, वन माइनस रूट ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाय टू। तो ये दो वैल्यूज इसके रूट्स होंगे क्वेश्चन नंबर वन के। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स अपॉन टेन माइनस वन अपॉन टेन इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स अपॉन टेन माइनस वन अपॉन टेन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में टेन है, देखिए यहाँ पे भी टेन है। तो किसी भी इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है और इंडिविजुअली टर्म्स जितने हैं उनमें अगर डिनोमिनेटर कोई है तो उनका एलसीएम लेकर हमें जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन के दोनों साइड को, और डिनोमिनेटर कैंसिल करना है। तो यहाँ पे टेन टेन का एलसीएम टेन ही होगा, तो हमें दोनों साइड में टेन से मल्टीप्लाई करना है। तो लिखना कैसे है, देखिए मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय टेन, दोनों साइड को टेन से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे होगा टेन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टेन इंटू थ्री एक्स अपॉन टेन माइनस टेन इंटू वन बाय टेन इज इक्वल टू जीरो इंटू टेन। देखिए यहाँ पे भी टेन को मल्टीप्लाई, इस टर्म को भी 10 से मल्टीप्लाई, इस टर्म को भी 10 से और जीरो को भी 10 से, क्योंकि यहाँ पे कुल मिला के चार टर्म्स हैं दोनों साइड्स में, एक दो तीन और चार, दोनों साइड के कुल मिला के चारों टर्म्स को मल्टीप्लाई। अब 10x square as it is, यहाँ का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 10 10 कैंसिल, 1 इंटू 3x तो माइनस 3x यहाँ पे एज इट इज, 10 10 कैंसिल, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 10 यहाँ पे 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। माइनस 1 इंटू 10 मल्टीप्लीकेशन माइनस 10 और एडिशन माइनस 3, 5 और 2 दो नंबर हो सकते हैं, तो माइनस 1 इंटू 10 माइनस 10 माइनस थ्री एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन को निगेटिव साइन है तो ग्रेटर नंबर को निगेटिव और स्मॉलर नंबर को पॉजिटिव, माइनस फाइव इंटू प्लस टेन अगर हम करते हैं तो माइनस इंटू प्लस माइनस, फाइव इंटू टू टेन, और माइनस फाइव प्लस टू इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी तो डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन फाइव माइनस टू थ्री, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, तो माइनस थ्री। टेन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स को हमें लिखना है, माइनस थ्री एक्स को हमें लिखना है माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे इन दोनों और इन दोनों से कॉमन,
टेन और फाइव का एलसीएम फाइव, एच सी एफ कॉमन लेना है हमें फाइव, और एक्स स्क्वायर और एक्स का एच सी एफ एक्स, तो फाइव एक्स हमें कॉमन लेना है। तो फाइव एक्स अब अगर हम कॉमन लेते हैं तो फाइव टू ज़ा टेन, एक्स स्क्वायर का एक एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे एक एक्स रहेगा माइनस फाइव एक्स यहाँ से एज इट इज़ कॉमन, तो यहाँ पे सिर्फ वन रहेगा, फाइव फाइव कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, प्लस टू एक्स और माइनस वन इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो वहाँ पे हमें प्लस वन कॉमन लेना है अगर थर्ड टर्म यहाँ के पॉजिटिव है तो। तो प्लस वन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे किसी का साइन चेंज नहीं होगा, टू एक्स माइनस वन एज इट इज इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद टू एक्स माइनस वन और यहाँ का टू एक्स माइनस वन, तो टू एक्स माइनस वन हमें कॉमन लेना है, तो यहाँ पे फाइव एक्स रहेगा और यहाँ पे प्लस वन रहेगा इज इक्वल टू जीरो। दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन जीरो है तो दोनों में से एक ब्रैकेट जीरो हो सकता है, या तो फर्स्ट या फिर सेकेंड। तो हमें लिखना है टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और फाइव एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो टू एक्स की जो वैल्यू है माइनस वन को राइट हैंड साइड में प्लस वन, तो एक्स की वैल्यू वन अपॉन टू, और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी फाइव एक्स इज इक्वल टू प्लस वन का माइनस वन होगा, और एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन फाइव यहाँ पे रहेगा, तो एक्स की वैल्यू एक माइनस वन बाय फाइव और दूसरी वन बाय टू यहाँ पे होगी। तो क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, टू एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें इस ब्रैकेट का स्क्वायर जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा, तो ए प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर से इसका एक्सपांशन करना है, 25 को लेफ्ट हैंड साइड में लेना है, फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो बनेगा जो, उसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, टू इंटू टू एक्स इंटू थ्री, प्लस बी का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो टू एक्स का जो स्क्वायर होगा वो यहाँ पे फोर एक्स स्क्वायर होगा, प्लस इनका मल्टीप्लीकेशन टू इंटू टू फोर इंटू थ्री ट्वेल्व यहाँ पे एक्स, प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन, प्लस 25 को लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो। तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस 12x एज इट इज प्लस 9 माइनस 25, तो यहाँ पे माइनस 9 अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो। 25 से 9 माइनस 16 ग्रेटर नंबर का साइन। अब 4, 12 और 16 इन तीनों नंबर्स को 4 से डिवाइड होता है, तो हमें दोनों साइड को 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से अगर हम दोनों साइड को डिवाइड करते हैं तो देखिए 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 थ्री जा 12 एक्स, 4 4 कैंसिल, माइनस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू जीरो। माइनस 4 इंटू 1, माइनस 4 मल्टीप्लीकेशन एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन 3, तो ऐसे दो नंबर्स हैं माइनस प्लस 4 माइनस 3, प्लस 4 प्लस 1, प्लस 4 माइनस 1, मल्टीप्लीकेशन माइनस 4 और एडिशन प्लस 3, क्योंकि एडिशन करेंगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, और 4 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 3, तो जो मिडल टर्म है 3x प्लस 3x हमें लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1x इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 4 है, माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों और इन दोनों टर्म्स में कॉमन, तो यहाँ पे x कॉमन, यहाँ का एक x प्लस 4 माइनस 1 यहाँ पे कॉमन, तो सिर्फ यहाँ पे x रहेगा,
माइनस से माइनस कॉमन तो ए प्लस, और यहाँ पे भी प्लस, फोर इज इक्वल टू जीरो। अब हमें एक्स प्लस फोर कॉमन लेना है, तो एक्स प्लस फोर कॉमन लेने के बाद यहाँ पे एक्स रहेगा माइनस वन, यहाँ पे रहेगा इज इक्वल टू जीरो। दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, तो एक्स प्लस फोर की वैल्यू जीरो, या फिर एक्स माइनस वन की वैल्यू जीरो। तो एक्स की वैल्यू प्लस फोर का माइनस फोर, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे वन, तो एक्स की वैल्यू माइनस फोर या प्लस वन, यह यहाँ पे होगी। अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर, सेम इसी तरीके से फॉर्मूला मेथड से, मतलब जो पहले हमने फॉर्मूला मेथड यूज़ की थी उससे हमें सॉल्व करना है। और जो क्वेश्चन नंबर फाइव है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें पहले बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। और क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो आप सभी को खुद से सॉल्व करना है। यहाँ पे भी फॉर्मूला मेथड आप ले सकते हैं, माइनस थ्री मल्टीप्लीकेशन और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन माइनस फोर, तो ये भी फॉर्मूला मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे फाइव जो है वो सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, 5m² प्लस 2m प्लस 1, कंपेयरिंग दिस गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म वी आर गेटिंग ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 1। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू 2 स्क्वायर, बी की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 5 इंटू सी की वैल्यू 1। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4, माइनस 4 इंटू 5 20 इंटू 1 20, 4 माइनस 20 मतलब वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 16, विच इज़ लेस देन 0। तो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर नॉट रियल। दिए गए इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है, इसको हमें लिखना है और आगे इसका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं करना है। देखिए अगर ये जो क्वेश्चन है वो क्लास 11th या फिर 12th में अगर दिया जाता तो वहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ सकता था, लेकिन 10th लेवल तक इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ जो आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।